तीन महीने पहले एलग्रो को कोई भी नहीं जानता था, बट अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके जून 2021 में आए, देन ही इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब चैनल इन इंडिया। बट लेट मी क्लैरिफाई, उनका एक दूसरा चैनल भी है कॉल्ड क्रिटिक, एंड उस पे वो लास्ट वन ईयर से कॉन्टेंट डाल रहे हैं। सो जसवीर सिंह डागर AKA एलग्रो इतना फास्ट कैसे ग्रो कर रहा है? बट एलग्रो को एनालाइज करने से पहले लेट्स डू सम मैथ। करंटली उनके चैनल पर 104,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट ही इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 43,000 सब्सक्राइबर्स पर मंथ, एंड उनके चैनल पर लास्ट मंथ 479,000 व्यूज आए हैं, जिसे अगर हम मिनिमम $0.40 CPM से भी कैलकुलेट करें तो ही इज अर्निंग अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट फैक्टर, एलग्रोज नीच। नाउ अगर तुम एलग्रो की नीच पे ध्यान दो तो उनका नीच है हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इसी नीच पे वो वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज कोविड लॉकडाउन के बाद इंडिया में काफी न्यू यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हो गए हैं, एंड उनकी वन ऑफ द मेजर डिमांड्स यही होती है कि वो यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें। एंड एलग्रो यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी प्रोवाइड करा रहा है जो तुम्हें आज तक यूट्यूब इंडिया में देखने को नहीं मिली होगी। एंड ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने 3 महीने के अंदर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। बट चैनल स्टार्ट होने के बाद उन्होंने सेकंड वीडियो अपलोड करी थी हाउ टू गेट फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 2 डेज गारंटीड। नाउ लेट मी टेल यू, ए ट्रिक वर्कआउट करती भी है या नहीं, बिकॉज मैंने इस ट्रिक को खुद ट्राई किया है, एंड दिस ट्रिक वर्क्स बट नॉट इन 2 डेज, जैसा एलग्रो अपने टाइटल में कह रहा है। तुम 2 दिन के अंदर 100 पोटेंशियल जेन्युइन सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के लिए गेन नहीं कर सकते जो तुम्हारी पूरी वीडियो देखने वाले हों। इट कैन टेक अ टाइम ऑफ वीक और 2, बट 2 दिन के अंदर तो तुम्हें जेन्युइन पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, बेशक तुम कितने इंस्टाग्राम अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स क्रिएट कर लो। 2 दिन के अंदर 100 जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज तुम जितने इंस्टाग्राम डीएम्स करते हो उसकी एक लिमिट होती है, एंड अगर तुम 20 या 25 डीएम्स भी करते हो तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 के ही रिप्लाई आते हैं, या फिर उसमें से भी 1 के भी रिप्लाई नहीं आते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं। और जो लोग तुम्हें रिप्लाई कर रहे हैं वो तुम्हारे पोटेंशियल जेन्युइन सब्सक्राइबर्स बनेंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो दिस ट्रिक मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, दैट्स व्हाई एलग्रो ने इस ट्रिक को यूज करने का एक रिस्क फैक्टर भी बताया है। लेट मी शो यू। नाउ दैट्स द पॉइंट, बिकॉज एलग्रो के काफी सब्सक्राइबर्स ने इस मेथड को ओवर यूज करना स्टार्ट कर दिया है, रादर देन कि अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। बिकॉज एलग्रो के भी जो सब्सक्राइबर्स है ना, दे आर ओनली किड्स एंड टीन्स, वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, बस 1,000 सब्सक्राइबर्स का जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाए, अब वो कैसे भी कंप्लीट हो। बट एलग्रो की ऑडियंस सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने की रेस में ये भूल रही है कि उनका चैनल डेड होता जा रहा है, एंड दे विल रिग्रेट दिस इन फ्यूचर कि उन्हें पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, ना कि सब्सक्राइबर्स का एक नंबर। नाउ कम्स द सेकंड फैक्टर, एलग्रोज एडिटिंग। नाउ अगर तुमने उनकी एडिटिंग पे ध्यान दिया हो तो ही इज डूइंग सम फिनोमिनल एडिटिंग विद हिज वीडियो एडिटर फिल्मोरा। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि उनकी वीडियोस पर ऑडियंस रिटेंशन एंड वॉच टाइम इंक्रीज होने का वन ऑफ द मेन रीजंस है इज एडिटिंग स्किल्स, तो वो कोई गलत नहीं होगा। वो अपनी वीडियोस में स्टॉक वीडियो फुटेजेस, स्टॉक इमेजेस, वेक्टर्स एंड फिल्मोरा के काफी इफेक्ट्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनती है, जिससे ऑडियंस उनकी वीडियो से बीच में क्लिक ऑफ नहीं करती, विच लीड्स टू मोर ऑडियंस रिटेंशन। एंड ये ऑब्वियस है कि अगर तुम्हारी वीडियो का रिटेंशन 60% से ज्यादा है तो यूट्यूब तुम्हारी वीडियो को लोगों को ज्यादा रेकमेंड करेगा, विच विल लीड टू मोर व्यूज एंड योर वीडियो गेटिंग वायरल। बट 3 महीने के अंदर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने का सोल रीजन एडिटिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनके सेकंड चैनल क्रिटिक पर भी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होते, एंड इवन उस चैनल को तो 1 साल भी हो चुका है, बट उस चैनल पर सिर्फ 39,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एलग्रो की वीडियो में एडिटिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, बट अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी वीडियोस में एडिटिंग टॉप नॉच करके 3 महीने के अंदर 1,00,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें एलग्रो के नेक्स्ट फैक्टर पे ध्यान देना होगा, दैट इज इंपॉर्टेंस टू डिटेल्स। नाउ एलग्रो जो भी अपनी वीडियोस में प्रीच करता है वो उन चीजों को अपनी वीडियोस में खुद फॉलो करता है, बिकॉज एलग्रो अपनी वीडियो की डिटेलिंग पे इतना ज्यादा ध्यान देता है कि वो चाहता ही नहीं है कि लोग उसकी वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएं। वो अपनी वीडियो के हर एक फ्रेम एंड वॉइस ओवर पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, बिकॉज वो चाहता ही नहीं है कि लोग उसकी वीडियो को देख के 1% भी बोर हो, या फिर कोई एक फ्रेम या एक वॉइस ओवर उसकी वीडियो को बोरिंग बना दे एंड लोग उसकी वीडियो को छोड़ के चले जाएं। रादर देन एलग्रो की वीडियो इतनी ज्यादा कैची होती है कि बीच में छोड़ के जाना तो छोड़ो, लोग स्किप तक नहीं करते हैं उसकी वीडियो। एंड इसके बारे में एलग्रो के मुंह से खुद ही सुन लेते हैं। तुम्हें लग रहा है कि
कि लोग उसकी वजह से वीडियो को छोड़ सकते हैं, या वो तुम्हारी स्टोरी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जस्ट कट इट आउट। एंड ये मैं कैसे करता हूँ, इसके बिहाइंड द सीन्स भी मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा, बिकॉज बाहर से लगता होगा कि ये वीडियो ऐसी बना दी, पर मेरी साइड से एक एक वर्ड का मतलब होता है। एटलीस्ट मैं ट्राई तो ऐसे ही करता हूँ, आई ट्राई कि लिटरली एक भी फालतू लाइन ना। सो इन माय ओपिनियन Algrow इज अ प्रीटी स्मार्ट एंड क्रिएटिव यूट्यूबर, एंड इन फ्यूचर बाकी यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल्स लाइक मनोज रे, टेक्निकल इसरार एंड टेक्निकल योगी जैसे चैनल्स को Algrow एक टफ कंपटीशन देने वाला है। नाउ अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देख लिया है, तो तुम मेरी बाकी वीडियोस भी इन वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हो।